इधर को जा रहे हैं अपन, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना जानू। अरे मेरे को ना हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर न्यू। तो फिलहाल अभी 1 बज रही है और फिर अभी हम कौन से बीच पे जा रहे थे? मोर्जिन बीच पे जा रहे थे। सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं ना पैकिंग पे लगे थे हम भयंकर वाले, और अदिति का सिर दुख रहा था इसलिए अदिति रेस्ट कर रही थी। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। ए गोवा गोवा। कल अभी अदिति सो रही है, देखो इसलिए रही है क्योंकि उसके एक आपको पता है गोली अदिति की जो कभी नहीं देते हैं, अदिति देते हैं तो फिर अच्छी खासी नींद अच्छी खासी लेना पड़ती है। फिलहाल अदिति अभी तो गाड़ी में सो रही है, अदिति उसके ऊपर बैठा हुआ जब भी सो रही है उसको। खुद से भी ज्यादा मेरी तू केयर करता है, जब भी मेरे से जानी मेरे आगे कान पकड़ता है, अखा विच मेरे आंसू तू कभी ना रे देता, इन्ना सर न चढ़ा मैनू तू, मैं बिगड़ जानिया है फिर तेरी आदत जे लग गई। तो अभी खाना लेने के लिए यार 3 बज गई है, अदिति को ना दवाई खाई है समझ नहीं पड़ रही भैया, तो उसको कुछ खिला देते हैं फिर वापस हो जाएगी। चलो फिलहाल कुछ भी लेके आता हूँ, कोई भूख लग रही है। अपन तो भूल ही गए थे अदिति खाने का। ओह यहाँ हाथ धोने का है, अपन तो भूल ही गए थे कि अपन को खाना भी खाना है। हाँ हाँ, इडल पूल भी है। हाँ पप्पा, इडल तो सामने छमुदला भी दिख रहा है पप्पा। इधर देखो कितना ही प्यारा सा व्यू आ रहा है, सामने बीच है। अभी जहाँ पे रुके ना यहाँ पे सामने बीच भी आराम से, वहाँ से होटल थोड़ी दूर चल के आओ सामने बीच है समुद्र देखो, और यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा करके, ठीक है पूरा खाली, आराम से शाम को जाके इंजॉय कर सकते हैं, कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। फिलहाल यहाँ रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर देते हैं। हो गया मेरी बेटी को। फिलहाल अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया और यहीं पे बैठे हैं झूले में, अदिति अंदर सोई है। फिलहाल भाभी भैया भी आ गए, विदित को हम बाहर खिला रहे हैं ना। ओ चेतान बच्ची सामने बीच है ना, अभी शाम को जाएंगे बीच में मस्ती करेंगे हम जाके। फिलहाल अभी पर्दे लगा दिए हमने यहाँ पे और फिलहाल इधर खा रहे खाना। हाँ भूख लगी। फिलहाल अभी अदिति भी उठ गई है, उसको रूम में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं उसको उधर ही लेके जा रहा हूँ, उधर अच्छा लगेगा। मस्त है इधर का भी सीन, मस्त एकदम। फिलहाल भैया भाभी यहाँ पे बैठे, लेट जाए यहीं पे सो भी सकते, अच्छी हवा लगी ना। तो जैसे अदिति यहाँ पे है कि अदिति को बोलता है क्या, अदिति आ जा आ जा। एक फिलहाल अभी स्प्राइट लिया है 80 रुपये का, आप बताना है कितने का आता है। फिलहाल अदिति के लिए स्प्राइट लिया है, क्यों जानो कैसा लग रहा है? किधर को जा रहे हैं अपन? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना जानू। ब्रेक ही नहीं लग रहा है मेरे, गोवा पहुँच गए अभी, गोवा में ब्रेक लगाना ही पड़ेगा और कल हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा घर के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया भैया। हम भी थक गए, बच्चे भी थक गए, पर मज़े भी आ रहे हैं, पर थोड़ा घर की याद भी आ रही है हमको। इतने इनसे घर से बात नहीं करी हमने, पर आज है ना घर बात करी मैंने, सबसे अच्छा लगा मेरे को बात करके। एक टाइम पे याद आई जाती घर वालों की, याद तो आती थी पर हमें ना दिन भर इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि क्या ही कहना, ऊपर से बच्चे कच्चे पागल कर देते। चलो स्प्राइट पीते हैं, 80 रुपये का भैया। हम बियर नहीं पीते ना भैया, तो स्प्राइट पी के बता रहे, गोवा के लोग बियर पीते हम स्प्राइट पीते। चेस गलत मत समझना, स्प्राइट है। फिलहाल अभी हम जा रहे थे बीच पे नहाने के लिए, प्राइवेट है ना तो मज़ा भी आएगा, यहाँ पे ज़्यादा कोई पब्लिक भी नहीं है, अदिति को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो वो भी इंजॉय कर लेगी। पता है मैं इसको वही हमेशा एक ही चीज़ समझाता हूँ, अदिति कभी भी सिर दुखे तो हमारे साथ टाइम बिता तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इंजॉय कर तो अच्छा लगेगा। सोई थी इसको थोड़ा बिठाया मैंने, तो यहाँ सामने बैठो यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कल ना बहुत एक इंजेक्शन दे दिया हैवी डोज, उसके बाद में दवाई भी खा ली, आज भी दवाई खा ली हमने, इसको थोड़ा ध्यान रख रहे भैया। साई बाबा से हमने विश मांग बोला है ना कि यदि अदिति तबीयत अच्छी रहेगी तो मंदिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अभी तबीयत में भगवान से बोल रहा तो ठीक हो गया सिर, अब शिरडी जाऊँगा नहीं तो शिरडी कैंसिल कर दिया था मैंने जाना। चलो क्या हो गया मेरे पहलवान को, चलो पहलवान चलो चलो चलो, अभी मज़ा आएगा ना वीडू, अभी आएगा। ये मोर्जिन बीच है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ भी नहीं रहती, देखो भीड़ भी है तो उस साइड है। हम यहाँ पे रुके अदिति के लिए स्पेशल, हमको रेस्ट लेना ही पड़ा, और बहुत प्यारा रिजॉर्ट यार, आपको यहाँ का बताऊँगा मैं आपको। मेरे जो यहाँ पे गोवा में सब दूर घूम रहा ना सब प्यारे लग रहे, पर ये भी थोड़ा सा प्यारा है। और इस जगह पे ना अपन शांति से बैठ के अपने वीडियो शूट कर सकते हैं, अपन कोई बोलने वाला भी नहीं, और हवा की वजह से चलते आवाज़ भी नहीं आती क्योंकि शांति में ऐसा लग रहा है। मेरा मुंह दिख रहा है कि नाक दिख रही है? सिर्फ सिर्फ मुंह दिख रहा है ना बड़ा सा, ज़्यादा दूर करूँगा तो आवाज़ ही नहीं आएगी मेरी आपकी पास।
ठीक है। फिलहाल बिल्कुल या तो जा रहे फॉरेनर्स के पास में, बहुत देर से फॉरेनर्स ढूंढ रहे थे वो। हाथ फैला छोड़े से हाथ कर साथ। ठीक है, फिलहाल हवा बहुत तेज वाली चल रही है और फिलहाल पप्पू को यहाँ पे हमने खेलने के लिए बिठा दिया है। पप्पू मेरी सोनी पप्पू, इधर रहते हो इधर पतीली है तो इधर बच्चे आराम से खेलेंगे। क्या हो गया? तू कभी ना रे देता इन्ना सर न चढ़ा मैनू तू, मैं बिगड़ जानिया है फिर, तेरी आदत जे लग गई तो तेरे बिन मर जानिया है फिर। छोटी छोटी जिद भी तू पूरी करता है, चढ़ने की जे गल करो तो बहां विच भरदा है, मेरे हर नखरे को तू सर अखा विच रखदा है, इन्ना सर ना चढ़ा मैनू तू, मैं बिगड़ जानिया है फिर, तेरी आदत जे लग गई तो तेरे बिन मर जानिया है फिर। कुछ भी बोलो मजा तो बहुत आता है यार, गोवा आके नहाना जरूर बीच पे। ठीक है चलो, हमारा बेग है तो वहां तक पहुंच गया पानी। क्या हो गया? क्या बेटा, हमको नहाने तो दे यार, तो अगली बार से गोवा नहीं लाएंगे तेरे को। वो बेग में सब गए, गया 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 वो एक बेग वगैरह सब गया। हमारे बैग भी गीला हो गया, वो बाप रे सब गीला हो गया। डेली ब्लॉगिंग, वाओ व्हाट हैपेंड इन डेली लाइफ, डेली अपलोड। एक फोटो लेंगे ना अपन, एक प्लान फोटो लेंगे अपन। यू आर फ्री, आई एम फ्री नाउ, गीला गीला। मस्ट बी सेलिब्रेट ऑन यू आर हियर। ओके एक्शन, say something about India. India for me, India, yes, yes. I'm from Russia, from Turkey, Istanbul, yes. And I say one thing, India is a major country, it's a, for me, for us, it's a awesome country, I love India. Kya bol rahe the foreigners ke sath India mein itne photos kyun click kar rahe hai, matlab koi bhi bol raha hai na। तो फिलहाल मेरी बीवी की केप का दो क्या हाल हुआ? अरे बैग पास पानी आ गया था। अनु किधर को जा रहे अपन? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे ना, जाते वो डर गया, वो डर गया। अरे आगे से लो जल्दी, जैसे तैसे उठा गया है। हाथ में लग गया जाएंगे, इतना गहरा पानी नहीं है वहाँ पे। अभी विजित रह रहा है, क्या हुआ? ए क्या हुआ? नहीं बेटा, मस्ती कर रहे, हम तो मस्ती कर रहे। चलो नहाएंगे, चलो चलना मम्मा साथ, मत ना। इतने 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 में जाऊंगा आज तो बड़ी वेव में। आदित्य को भी लेके आएंगे पर थोड़ी देर के बाद में। खतरनाक सा मजा आ रहा है। हवा जल्दी आ, जल्दी आओ। अंदर ही ले लिया था। जरा जाने की बात क्या करी, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। हे गाइस, तो फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे मिलने आए थे और हमारे लिए कुछ बना के लेके आए हैं। क्या है, क्या ये हमारे गोवा का स्पेशल है? मैंने सुना आपकी बेकरी है।
मतलब पेस्ट्री पैलेस है लेकिन मैं वहाँ पर काम करती हूँ। अच्छा 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 हाँ। ये वही है ना। हाँ हाँ चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई आपको। अच्छा, आप बेकरी वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब आप लोग पंजीम से? नहीं नहीं शोलिम से ही। अच्छा शोलिम। हाँ अभी रखो ना। अरे रखो ना, बात से कहेंगे ना मालिक। भूख लगी, खोलो। 5 बजे से नहाना चालू करा था मैंने, 6:30 बज गए अभी तक नहीं रहो। बस कभी भैया खींच के ले जा रहा, कभी अतिथि को खींच के ले जा रहा। वो वहाँ भूख भयंकर, इतनी दूर दूर तक गए थे हम, बहुत मज़ा आ रहा था भैया। अभी सनसेट हो गया है, अभी बस जाते थोड़ा आराम करेंगे। अदिति 2 बार डूब गई पानी के अंदर, 1 बार तो हाथ पकड़ा था बाहर निकल जाए, 2 बार डूब गई तो गायब ही हो गई थी। ऐसा ऐसा ढूंढ के निकाला मैंने उसको बाहर। कल आ जाता, ब्लॉग नहीं कर रहा है मैंने नहाने में, पर जो भी है मज़ा बहुत आया। कल अदिति यहाँ पे सब्सक्राइबर से बातें कर रही है और अदिति का देखो हाथ हिलाए खड़ा है। आ जा आई बाहर। ओए ओए अद्विक सर। हे गाइस, फिलहाल मस्त वाला नहा लिया और कैमरा पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा होगा। चलो छोड़ो, अभी तैयार होते हैं फिर दिखाएंगे। नहीं अभी तैयार हो नहाएंगे, फिर एक टॉप आता है जाकूसी, क्या पता क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी नहाएंगे भैया, मस्त उसमें भी मज़ा आएगा। फिलहाल अभी पूल पे नहाए, पूल पे नहा के आया और फिलहाल अंदर नहाए, क्योंकि जो मिट्टी लगी थी मिट्टी निकालनी थी तो मिट्टी निकल गई। अब जा रहे हैं जो क्या पता क्या बोलते हैं, जाके डायरेक्ट दिखाता हूँ वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए मैं अंदर जाके नहाया था। अब जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाके नहाऊंगा। मेरा 1 बार तो नहाने का मन था, इसलिए मैं मन कर रहा है जाके नहाएंगे नहाएंगे। फिलहाल यहाँ का व्यू देखो कितना ही ज़्यादा प्यारा सा आ रहा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक जाकूजी देखते क्या होता है। पहली बार देख रहा हूँ, बस फोटो वीडियो में देखा है। अब जाके उसके अंदर नहाएंगे। अदिति को भी नहलाने वाला था पर अदिति को एक बार पूल वहाँ पे बीच पे नहा ली, उसके बाद अभी अंदर नहा ली। अब मैं सोचा नहीं यार अब नहीं नहलाते, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल अभी जाकूजी के अंदर जा रहे हैं, अभी देखते यार। मेरा नहाने का बहुत ज़्यादा मन था, अब डबल वाला करा था पर प्रॉब्लम क्या है, अदिति का मन नहीं करा, फिर हमने सिंगल वाला करा है, तो उसके अंदर जाके नहाएंगे। मज़ा तो 100 आने वाला है, इसलिए लाइक भी कर देना आप सभी ने। यहाँ की वाइब भी अलग आ रही है, मस्त। अभी ना इसको चालू करना पड़ेगा। हे गाइस, तो फिलहाल अभी हम जाकूसी में जाने वाले हैं। मैंने तो नहा लिया था, फिर भी एक बार मन कर जाकूसी में नहाने का, तो जाकूसी में नहा रहे। और गोवा में कोई भी आ रहा है तो भैया ने तो नहीं बोला, पर मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार ये देखो, तो भैया का ये चेक कर लेना, दिख रहा हो तो ठीक है, तो फिर मैं अभी नीचे चल रहा हूँ वहाँ पर भी देख लेना। विलेज सुसु गेट पर आना, यहाँ पर गोवा के अंदर सर्च करना, जाना। मैं तो यार भैया फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स के अंदर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं बहुत, और झाक तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। आप भी आओ तो एक बार ट्राई जरूर करना, मेरे को तो मजा आया। मैंने स्पेशल उनको बोला भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को करना है, तो उनने दिया, तो मज़ा आ रहा है। जो भी है मज़ा आ रहा है। गोवा में किस लिए आए थे भैया? मज़े करने के लिए आए थे, करो मज़े। मज़ा आया देख, कितना मज़ा आ रहा है। यहीं पे रेस्टोरेंट है ना, तो यहीं पे खा लेंगे खाना। दूसरे जगह जाने का मन था हमारा, पर दूसरी जगह कल जाएंगे, आज यहीं पे खा लेते, पर आदित्य का सिर दुख रहा ना, इस वजह से दूसरी जगह ले जाने का मन नहीं है। इधर पास में ले जाने का मन था, पर वहाँ पे पीले पीले वो मोर राजा चल रहा है। सच्चा कि यहीं पे बैठो, यहीं पे खाओ, एंजॉय करो। ये तो फिलहाल अभी खाना खाने के लिए इधर आए थे, बिना खाना खाए जा रहे वापस, क्योंकि कोई ना कोई बैठ के नॉनवेज खा रहा है, तो अदिति को मैं रूम पे छोड़ता। अपन को तो चल जाता है, पर अदिति हमारे जो पंडित जी है ना, मिश्रा जी, इन्हें नहीं चलता है, तो इसको ले जाता हूँ। बटर खिचड़ी यहीं से बनवाएंगे, भले वही किचन में बनेगा, पर वहाँ पे बैठ के नहीं खाना अदिति को, क्योंकि स्मेल आ जाती है इधर से, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। फिलहाल अदिति को रूम पे छोड़ते हैं, अदिति बटर खिचड़ी खाएगी और साथ में अधिक सर के लिए एक पिज़्ज़ा बुला देंगे। अधिक सर एक पिज़्ज़ा खा लेंगे, जब तक हम यहाँ पे खाना खा लेंगे। यार मेरे को तो बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। ठीक है, तो यहाँ का व्यू तो ख़तरनाक से ही आता है, देखो मस्त रेस्टोरेंट है नहीं, अभी रिजॉर्ट एक नंबर लगाइए अभी। ठीक है, फिलहाल अभी हमने खाना खा लिया और अधिक सर के लिए हम पिज़्ज़ा लेके आए। अब क्या ही बोलना, पिज़्ज़ा की तारीफ ही क्या करूँ मैं, ख़तरनाक सा पिज़्ज़ा है।